हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना मॉर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन लेके आए हैं। देखिए, जो भी मैं करंट अफेयर का सेशन लेके आता हूँ वो खासकर राजनीतिक नहीं होता है। हम लोग नॉन पॉलिटिकल जो न्यूज़ हैं वो कवर करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हमारी नॉलेज के लिए और हम अपनी नॉलेज को कितना वास्ट ले जा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, पॉलिटिक्स गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया में पॉलिटिक्स किस तरह से होती है, इसलिए मैं पॉलिटिकल खबरें कोई भी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आपके ऊपर कोई निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। आज की जो पॉलिटिक्स है वो ना निगेटिव है। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन आप देखते हो ना कि जब पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो जाती है, जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे आप कितना भी अच्छा काम करना चाहो आपको निगेटिव ही ऐसा दिखाया जाता है, और राजनीति को भी ऐसा निगेटिव ही ऐसा में ट्रीट किया जा रहा है, और निगेटिव हो भी गई है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने न्यूज़पेपर पर चलते हैं। न्यूज़पेपर का सबसे पहला पेज है, पहला पेज पे ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है 101 डिफेंस इक्विपमेंट आइटम। अब ये किस कंपनी की तरफ से, मतलब किस कंट्री के लिए बैन कर दिया गया, तो किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए बैन नहीं किया गया है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने या सरकार ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बेसिकली 101 डिफेंस इक्विपमेंट जो होते हैं, इतने टाइप्स ऑफ, ठीक है, 101 टाइप्स जो हैं वो डिफेंस इक्विपमेंट, जो डिफेंस के लिए सामान खरीदा जाता था, चाहे वो क्या बात करें कि राइफल की बात करें, चाहे वो मशीन गन की बात करें, ठीक है ना, तो 101 तरीके के जो है डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं वो इक्विपमेंट वो भी बैन कर दिया है। लेकिन बैन इस तरह से नहीं किया है, मतलब आयात नहीं करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट नहीं करेंगे उस चीज का, इंपोर्ट नहीं करेंगे या फिर बोले आयात नहीं करेंगे, ठीक है। ये फैसला किसकी तरफ से लिया गया, ऑब्वियसली जब हम डिफेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफेंस में जो फैसला लिया गया होगा वो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया होगा, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिखा गया होगा। और डिफेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है, ठीक है, राजनाथ सिंह। लेकिन यहाँ पे एक और मिनिस्ट्री का हस्तक्षेप है, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ठीक है, तो फाइनेंस FM लिख दे रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर और या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल लीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी हस्तक्षेप इसमें है, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यह इसमें अगर मैं पर्टिकुलर टाइप की बात करूं तो दो चार आप टाइप देख लीजिए। यहाँ पे जो है वो 7.62x51 स्नाइपर राइफल जो है उसको बेसिकली हर तरीके से बैन कर दिया जाएगा, किसी भी देश से नहीं मंगाया जाएगा। दूसरे में बात करूं लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट या लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, दोनों चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, दोनों लाइट कॉम्बैक्ट, मतलब जैसे मैं अगर बात करता हूँ, जैसे अभी आया है राफेल, तो राफेल क्या लाइट कॉम्बैक्ट ही है, समझे ना। अभी जो डील हो चुकी है वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है जो बाकी के राफेल हैं उनको रोक दिया जाएगा, बाकी के राफेल आ जाएंगे लेकिन अब कोई डील नहीं होगी, ठीक। इसके बाद, ठीक है, जो भी अपने यहाँ पे इस समय के हेलीकॉप्टर हैं लाइट कॉम्बैक्ट, वो बाहर से ही मंगाए गए स्पेशली, लेकिन अब नहीं मंगाए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं क्रूज मिसाइल, ठीक है, और जो भी शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर, देखिए सरफेस टू एयर जो मिसाइल है वो DRDO बहुत अच्छी बनाता है। मेन होता है एयर टू एयर मिसाइल, या फिर बात करते हैं वाटर टू वाटर जो मिसाइल होती है, जो कहते हैं पनडुब्बियों में इस्तेमाल होती है वो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लाइट कॉम्बैक्ट जो मशीन है, मशीन गन है, उनको भी रोक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ खास बात नहीं थी, आपसे यही पूछ सकते हैं कि इस समय क्या कर दिया गया, तो 101 टाइप ऑफ जो है इक्विपमेंट्स हैं वो रोक दिए गए हैं। आगे बात करते हैं, कुछ आज के दिन पे बहुत ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है, तो मैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में बताना चाहूँगा कि इंडिया किन कंट्रीज से मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये पूछी जाती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं, युद्ध अभ्यास बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, युद्ध अभ्यास आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से युद्ध अभ्यास किन देशों के साथ में होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, और आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, एटलीस्ट कॉपी और पेन लेके बैठा करो। तो मैं इंडिया के साथ ही की बात कर रहा हूँ, इंडिया जिसमें इंडिया हर देश साथ होगा, प्लस कौन सी कंट्री होगी मैं नाम लिख दूंगा आगे, ठीक है ना। अगर इंडिया
और अपने देश पड़ोसी देश नेपाल की बात करी जाए तो नेपाल के साथ में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, नेपाल के साथ में ये मिलिट्री एक्सरसाइज करता है सूर्य किरण, ठीक है, कौन सी करता है सूर्य किरण नाम से, ठीक है। आप लोग नाम लिखना हिंदी और इंग्लिश में लिख लोगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इंडिया तो होगा ही होगा, साथ में इंडिया किसके साथ करेगा, चाइना के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो चाइना के साथ करता है, आप सभी को पता होगा ये तो बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ठीक है, हर साल होती है चाइना के साथ में। तीसरे मैं बात करता हूँ इंडिया प्लस यूएसए, यूएसए कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, तो इंडिया यूएसए के साथ में करता है, एक तो समझिएगा मालाबार करता है, ठीक है, मालाबार, लेकिन मालाबार सिर्फ यूएसए नहीं होता है, इंडिया यूएसए प्लस जापान, ये तीनों देश मिलकर हमेशा मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, हर दो साल बात होती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इंडिया और यूएसए मत लिखिएगा, अगर जापान भी लगा लीजिएगा, मालाबार इसमें होती है, ठीक है। लेकिन अब मैं इंडिया और यूएसए की खासकर बात करूं तो होता है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास नाम से एक अभ्यास होता है, ठीक है, युद्ध अभ्यास, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, चौथा मैं बात कर लेता हूँ इंडिया प्लस, देखिए भूटान के साथ में कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती क्योंकि भूटान की अपनी कोई आर्मी नहीं है, वहाँ की जो रक्षा करती है भूमि की वो इंडियन आर्मी ही करती है। तो इंडिया प्लस आगे बढ़ते हैं हम लोग बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, वो होती है संप्रीति होती है, कौन सी होती है संप्रीति, नाम ध्यान रखिए संप्रीति, ठीक है, संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। आपसे कभी भी पर्टिकुलर ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी नेवल एक्सरसाइज होती है, कौन सी आपकी बेस होती है, ठीक है, मतलब थल सेना की होती है और कौन सी एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है, ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे, सिर्फ ये पूछेंगे कि इनके इनके कौन इन इन देशों के साथ में भारत की कौन सी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। पांचवा बात करते हैं इंडिया प्लस, मैं बात कर लेता हूँ श्रीलंका की, ठीक है, अपने जो पड़ोसी हैं उनकी सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो इंडिया प्लस श्रीलंका कौन सी करते हैं, इंडिया प्लस श्रीलंका करते हैं स्लीनेक्स करते हैं, नाम ध्यान रखिएगा स्लीनेक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं छठे हैं इंडिया जापान कौन सी करते हैं, इंडिया और जापान, अभी मैंने बताया था इंडिया जापान और यूएसए तीनों मिलकर के कौन सी करते हैं मालाबार करते हैं, तो मालाबार आप लिख लीजिएगा, मैं अगली बताता हूँ इसी में ही, इंडिया और जापान करते हैं जीमैक्स, जीमैक्स करते हैं, ठीक है, जीमैक्स करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन भी करते हैं, तीसरी यहाँ पे लिख लेगा धर्म गार्डियन, ठीक है, धर्म गार्डियन, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं सातवें नंबर पे इंडिया प्लस यूके के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे यूके का ये मतलब मत समझिएगा सिर्फ मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, यूके में चार कंट्रीज आते हैं, एक इंग्लैंड आता है, एक वेल्स आता है, एक स्कॉटलैंड आता है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड का जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला हिस्सा है वो आता है, ठीक है। तो इंडिया प्लस यूके कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, ये बेसिकली करते हैं आपकी अजय वॉरियर, ठीक है, तो अजय, अजय वॉरियर, ठीक है। आगे मैं और भी कराऊंगा, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे और कराता हूं आपको, ठीक है। चलिए इंडिया और मैं बात कर लेता हूं सिंगापुर की, ठीक है, इंडिया प्लस सिंगापुर, तो सिंगापुर के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, वो होती है सिम्बैक्स करके होती है, सिम्बैक्स, सिम्बैक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका के साथ में होती है स्लीनेक्स और इसके साथ में होती है सिम्बैक्स होती है, ठीक है। इंडिया प्लस थाईलैंड, अगली बात करते हैं इंडिया प्लस थाईलैंड की बात कर लेते हैं, आप लोग नंबर वंबर डाल लीजिएगा, मैं नंबर वंबर नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ में होती है मैत्री, कौन सी होती है, मैत्री होती है, तो ध्यान रखिएगा मैत्री, ठीक है। एक होती है इंडिया प्लस मंगोलिया के बीच में, मंगोलिया, इंडिया प्लस मंगोलिया के बीच में कौन सी होती है, ये होती है आपकी नोमैडिक एलिफेंट करके होती है, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। और भारत प्लस सेशल्स के बीच में होती है लेमिटी होती है, ठीक है, भारत प्लस सेशल्स, सेशल्स के बीच में होती है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा भारत और सेशल्स के बीच में, मुझे कुछ लेमिटी ही शायद होती है, लेमिटी,
ठीक है, इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा लैमिटी को, ठीक है। चलिए और कौन सा देश रह गया, और फ्रांस रह गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट में फ्रांस रह गया है। तो इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में कौन सी होती है, इसके ये तीन एक्सरसाइजें होती हैं, एक होती है गरुण, एक होती है गरुण, एक होती है वरुण, और एक होती है शक्ति, एक होती है शक्ति, ठीक है, एक होती है गरुण शक्ति। तो गरुण शक्ति बच्चे होती है वो आपकी इंडोनेशिया के साथ में होती है, ठीक है। मैंने आपको इंडोनेशिया के बारे में नहीं बताया, इंडोनेशिया के साथ होती है गरुण शक्ति, कौन सी होती है, शक्ति होती है फ्रांस के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में होती है गरुण शक्ति, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा गरुण शक्ति, ठीक है। एक हरिमऊ शक्ति होती है वो मलेशिया के साथ में होती है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन वाले डेटा हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मलेशिया के साथ में कौन सी होती है, हरिमऊ शक्ति, ठीक है, हरिमऊ शक्ति होती है, हरिमऊ शक्ति, ठीक है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा डेटा था जो मुझे आपको बताना था। वैसे तो और भी एक्सरसाइजें होती हैं, जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। आप लोग मेरी करंट अफेयर देखता रह करिए, मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ। वैसे आज फरवरी के कोई खास डे था नहीं, क्योंकि 11 फरवरी है और कोई खास डे है नहीं, तो मुझे बताना नहीं था फरवरी के डेज, तो मैंने कहा चलो यही बता देता हूँ मैं आज के दिन पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, द वर्ड पे चलते हैं, पेज नंबर 1 से सीधे द वर्ड के पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एक फोटो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे एक पर्सन है जो पैर छू रहे हैं और एक पर्सन है जो आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जो पैर छू रहे हैं ना, यहाँ पे आपको एक पर्सन खड़े हुए दिख रहे होंगे, खड़े हुए, और एक पर्सन ऐसे झुके हुए दिख रहे होंगे आशीर्वाद लेते हुए। तो जो दिख रहे हैं ना, ये प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट है, कहाँ के प्रेसिडेंट है, श्रीलंका के, ठीक है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और ये जो खड़े हुए हैं ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, श्रीलंका के पीएम बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब आप बोलोगे कि ये प्रेसिडेंट पीएम के पैर छू रहा है, तो बात ये नहीं है, बात ये है कि यहाँ पद की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ये इनके बड़े भाई हैं, इसलिए पैर छू रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है उनका नाम मैं बता देता हूँ, उनका नाम है क्या नाम है, गोताबाया राजपक्षे, ठीक है, कठिन नाम है थोड़ा, गोताबाया राजपक्षे, इंग्लिश में इस तरह से लिख लीजिएगा गोताबाया राजपक्षे, राजपक्षे, ठीक है। पीएम कौन है, पीएम जो बने हैं महिंदा राजपक्षे बने हैं, महिंदा राजपक्षे, ठीक है, महिंदा राजपक्षे जो है, महिंद्रा नहीं है, महिंदा है, ठीक है, महिंदा राजपक्षे पीएम बने। ये चौथी बार श्रीलंका के पीएम बन के आए हैं, चौथी बार ये श्रीलंका के पीएम बन के आए हैं। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की आप लोग राजधानी बताइए क्या क्या है। कुछ लोग यहाँ पे कोलंबो बोलेंगे, भाई कोलंबो इसकी राजधानी नहीं है, कोलंबो इसकी फाइनेंशियल राजधानी आप बोल सकते हो, जैसे भारत की फाइनेंशियल राजधानी कौन सी, मुंबई है, ठीक है। तो राजधानी इसकी है श्री जयावर्धनापुरा कोटे, ये है श्री जयावर्धनापुरा कोटे, ठीक है, काफी बड़ा नाम है, आई होप आप लोगों को एक बार में याद हो जाएगा, श्री जया, मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूं, वर्धने धने पूरा डब्ल्यू से लिखते हैं, वर्धने पूरा कोटे। देखिए स्पेलिंग पे मत जाया करिए, ठीक है ना, क्योंकि स्पेलिंग यहाँ पे कोई नहीं चेक करने वाला आपके एग्जामिनेशन में, अब आप इंटर नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि आप मेरी स्पेलिंग चेक करो, ये सब इंटर तक के चौसले होते हैं जहाँ स्पेलिंग चेक करी जाती है, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है श्रीलंका की, ये बताइएगा। चलिए पेज नंबर द इकोनॉमी पे चलते हैं, यहाँ पे एनपीसीआई की न्यूज़ है, एनपीसीआई की न्यूज़ है। एनपीसीआई क्या है, होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप लोगों को पता होगा यूपीआई जो है वो कौन किसके अंडर में आती है, यूपीआई, जो जितने भी यूपीआई एप्स हैं
वो NPCI के अंडर में ही काम करते हैं, ठीक है, इसी की निगरानी में काम करते हैं। तो NPCI ने बोला है कि UPI के थ्रू जितने पेमेंट्स हो रहे हैं या जितने पेमेंट्स अभी तक हुए हैं मई से लेकर के जुलाई तक जितने भी पेमेंट्स हुए हैं, अगर मैं UPI की बात करूँ तो 24% अधिक हुए हैं, 24% अधिक हुए हैं अन्य और माध्यम से। अगर बैंकिंग के माध्यम, जितने भी बैंकिंग के माध्यम से रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, ठीक है, खर्च हुए मार्केट में आए हैं, उससे 24% ज्यादा UPI से खर्च हुए हैं, ठीक है। अगर पैसों की बात करते हैं तो पैसों में समथिंग है 7,707 मिलियन, ठीक है, मिलियन रुपीज जो है वो स्पेशली क्या हुए हैं, इससे ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, UPI से। इतनी सी न्यूज़ थी, नॉर्मल सी न्यूज़ थी, मुझे और कुछ इसमें था नहीं खास, ठीक है, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के मुझे कहने की आदत नहीं है, ठीक है, कि मैं इस खबर को और लंबा करूँ। चलिए आगे बात करते हैं TikTok के ऊपर। हाँ, TikTok के ऊपर अभी मैंने कुछ दिनों आपको बताया था कि TikTok जो है वो किस कौन खरीदने की बात कर रहा है, तो Microsoft बात कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि Microsoft जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था किसको, TikTok को, ठीक है, और TikTok जो है वो किस का मतलब कौन सी कंपनी इसको ओन करती है, तो ByteDance, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी TikTok को ओन करती है, तो ByteDance जो है वो कंपनी ओन करती है। तो Microsoft के जो CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, सत्या नडेला ने बोला था कि है हम TikTok को बेसिकली खरीद लेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी एक और चीज़ आ गई है, अभी यहाँ पे जो है वो आपको क्या कहते हैं, ट्विटर ने भी अपनी क्या कहते हैं इंटरेस्ट जगाया है TikTok को खरीदने में, और उसने ByteDance से बेसिकली बात भी करी है, और इन टर्म्स ऑफ पैसों की भी बात हो गई है। अभी एकदम से डील वो ओपन नहीं हुई है कि कितने मिलियन डॉलर में, कितने बिलियन डॉलर में बात होगी, लेकिन TikTok ने यहाँ पे अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बोला है कि वो ByteDance से TikTok खरीदेंगे। अब दोनों यहाँ की दोनों की भिड़ंत होने वाली है, और जो भी होगा वो नियर अबाउट अक्टूबर से पहले हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर बाद में वहाँ पे आचार संहिता लागू हो जाएगी, और वहाँ पे जो दोनों ही कंपनियाँ बेसिकली USA की हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, और USA में सरकार की परमिशन लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर रुक जाएगा थोड़ी दिन के लिए मामला, करीब 2-3 महीने के लिए, और अगर 2-3 महीने के लिए मामला रुक गया तो फिर कोई और कंपनी भी बाजी मार सकती है, ठीक है। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। कोल इंपोर्ट जो है वो फॉल हुआ है 43.2% इन द जुलाई क्वार्टर, ठीक है। यहाँ पे बात यह है कि जो कोल का इंपोर्ट है वो 43% डाउन हुआ है, तो आपसे इतना पूछ सकते हैं जो कोल का इंपोर्ट है वो जुलाई मंथ में बेसिकली कितना हुआ है, तो 43.2%। और यहाँ से एक और क्या खबर बन सकती है कि कोल मंत्रालय के जो कोल मिनिस्ट्री है, कोल मिनिस्ट्री के मंत्री कौन है, तो यहाँ पे आप बताओगे प्रहलाद जोशी जी हैं, ठीक है। प्रहलाद जोशी जी सिर्फ कोल मिनिस्ट्री के नहीं है बल्कि माइंस मिनिस्ट्री के भी हैं, ठीक है, खान, ठीक है, और इसके साथ साथ ये प्रहलाद जोशी जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं संसदीय मामले की समिति के भी जो हैं उस मंत्रालय के भी ये मंत्री हैं। तो आज ये करंट अफेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने तब भी जितना हो सकता था उसको इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, जितना आप लोगों के सामने यहाँ पे आप दे सकता हूँ। देखिए बहुत अखबार में बहुत कुछ होता है, मैं पढ़ाना चाहूँ तो पूरे अखबार को 1-1.5 घंटे तक पढ़ाता रहूँ, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। मैं खाली आपको डेटा बताता रहूँ, और वो डेटा भी एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग करंट अफेयर पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आप सभी को पता है क्या करना है। फिर आज के लिए चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।